और पाकिस्तान को मिली है इस बार शर्मनाक हार, क्योंकि इंग्लैंड ने गेंदबाजी को चुन चुनकर इस तरह से मारा कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ 23 अक्टूबर को अपने अभियान का आगाज करेगा, मगर उससे पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान को धो दिया है बुरी तरह से। पाकिस्तान की टीम 23 अक्टूबर को भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेलने जा रहा है, मगर इससे पहले वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया है। बता दें कि इंग्लिश टीम के बाबर आजम की आंखों के सामने ने ही उनकी टीम को 6 विकेट से हराया गया और पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 19 ओवर में 8 विकेट पर 160 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 14.4 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। बड़े टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वहीं वार्म अप मैच में पाकिस्तान की कमान शदाब खान के हाथों में थी। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 39 रन शान मसूद ने बनाए थे। उनके अलावा कई बल्लेबाज इंग्लिश अटैक का सामना नहीं कर पाए। हैदर अली, सदाब हफ्तियार, अहमद खुशदिल शाह, आसिफ अली जैसे बल्लेबाज इंग्लिश अटैक के सामने बेबस नजर आए। वहीं पर इंग्लैंड की शुरुआत रही बेहद ज्यादा खराब। पाकिस्तान के लिए लक्ष्य का पीछा करना उतनी ज्यादा आसान बात नहीं थी। बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इंग्लैंड की शुरुआत तो बेहद ज्यादा खराब रही और पहला झटका 1.3 ओवर में फिल सॉल्ट कर दिया गया था। और आपको बता दें, मगर इसके बाद भी बेस्टोचक्स ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को कूटा और 18 गेंदों पर 36 रन जड़ दिए। वहीं पर लिविंगस्टन और बुक ने कुटाई इंग्लैंड की 49 रन पर स्कोर्स के रूप में दूसरा झटका लगा दिया। इसके बाद 51 रन के स्कोर पर एलेक्स हॉल्स के रूप में इंग्लैंड को तीसरा झटका लगा। वहीं 3 विकेट गिरने के बाद लियाम लिविंगस्टन और हैरी बुक ने दोनों ही छोर से गेंदबाजों की कुटाई कर दी। खाली हाथ रहे अफरीदी, 104 रन पर इंग्लैंड की लिविंगस्टन के रूप में चौथा झटका लगा। इसके बाद ही ब्रूक को सेम कुरेन का साथ मिला और दोनों ने मिलकर चौके छक्के की बारिश कर दी। वहीं पर 26 गेंद पहले ही जीत लिया गया था। चोट के बाद वापसी कर रहे शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर में 7 रन दिए, मगर उन्हें एक भी सफलता हासिल नहीं मिली। इंग्लैंड ने 14.4 ओवर में मैच में अपना नाम कर लिया। वहीं पर शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर डाले और सिर्फ 7 रन खर्च किए, लेकिन नसीम शाह के 3 ओवर में 31, मोहम्मद हुसैन के 3 ओवर में 36, सदाब खान के 2 ओवर में 20, जबकि मोहम्मद नवाब के 2 ओवर में 37 रन बने। गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज फेल सॉल्ट हुई, 1 रन बनाकर आउट हो गई। वहीं पर एलेक्स हेल्स के बल्ले से भी 13 गेंदों पर 9 रन निकले।